आप सभी ने राम राम भाई। हमारे चैनल ए टू जेड एक्सप्लोर व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये देखो, कल हम गए तो थे सब्जी मंडी, लेकिन पहुंच गए कहीं और। पहले हमने सब्जी मंडी से सब्जी ली, फिर फ्रूट लिए कुछ चीज़ें, और तो इसलिए यहाँ से जब मैं निकल रही थी तो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना लिया। तो ये चाप वाला है जिसमें संदीप ने मुझे चाप नहीं लेने दी। दूसरा, यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई थी, सामने से बेचारा समोसा वाला आ रहा था समोसा बेचने के लिए। घिया थी, बैंगन थे, तोरी थी, खीरे, बहुत सी सब्जियाँ थी जो डेली हम यूज़ करते हैं, फेवरेट होती है। रेट भी इनके अलग अलग थे, तो मैंने सोचा इनका रेट क्या बताना। सहजन की फलियाँ थी जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है खाने में, पर देखने में बहुत अच्छी लगती है ये। करेले थे, भिंडी वगैरह थी इस तरीके से, और ये कुछ तल के खाने वाले स्नैक्स टाइप्स होते हैं जो शायद 20 रुपये के 100 ग्राम। और ये यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे थे। जब हम सब्जी मंडी आए तभी हमें पता चला कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। ये टैटू बनाने वाले ने अपने टैटू लगा रखे हैं ताकि आप देख के बनवा सको। आइसक्रीम वाले हैं यहाँ पे। ये गुड़िया थी जो लाइट वाले टॉयज़ बेच रही थी अपने, और इसने कुछ अपने सर पे लगाया हुआ है जिसमें लाइट जली हुई है। फिर हम अंदर एंट्री हो जाती है हमारी, अंदर ढेर सारी यहाँ पे शॉप थी, लोग शॉपकीपर अपना सामान बेच रहे थे। ये की चेन थी यहाँ पे, साथ में यहाँ पे टैटू वाले बैठे हुए थे और एक लड़का गर्दन के पास अपनी टैटू बनवा रहा था। मतलब मैंने ऐसे छोटे से क्लिप ली। यहाँ पे ढेर सारे गॉगल्स लगे हुए थे, कैप लगी हुई थी बच्चों की, और ढेर सारी बलून थी। फिर ये फिर से की चेन आ गया है, और ये एक मिक्की माउस था जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इसमें क्या है कि बच्चों को यहाँ छोड़ दो, वो बाहर जाने नहीं जाता है, बाहर मतलब खोने का डर नहीं है। यहाँ पे फिर हमने टिकट ली एक झूले की जो ट्रेन की तरह चलता है, और मुझे वैसे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैंने चलो सोचा कि हम इसमें झूलेंगे। और ये काफ़ी अच्छा झूला मुझे लगा, मतलब इतनी स्पीड के झूले पे मैं पहली बार झूली, वरना मैं नहीं झूलती। और हर तरीके का यहाँ पे झूला था। ये छोटा सा ग्राउंड है यहाँ पे, और शायद ये जो मेला लगा हुआ है ये जन्माष्टमी तक रहेगा। और ये जो अपने नाम के हम बनवाते हैं ना ब्रेसलेट वगैरह हाथ के, वो बना रहा था। ये वही उस लड़की की तरह टॉयज थे रखे हुए थे, ले रहा था। काफ़ी अच्छा मेला लगा हुआ था, अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए थे। सामने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर, बच्चों के लिए भी उनके हिसाब के झूले लगे हुए थे। इस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया यहाँ पे। मतलब सब ये होता ना कि हम गए कहीं पहुँचे कहीं, वो वाला काम। हम सब्जी मंडी गए थे सब्जी लेने, और हम पहुँच गए मेले में मज़े लेने। अब हम ऊपर गए हुए हैं, बैठने की तैयारी में हैं। तो वही हमें हमारे शीट बता रहा है कि आपको कहाँ बैठना है, इसलिए ऊपर जाती है। और फिर क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ जाती है तो फ़ोन गिरने का डर रहता है। और ये कुछ अलग ही तरीके से बनाया हुआ है, एक उसमें दो बंदे बैठ जाते हैं आराम से, तो हमने साथ में डुगू को भी बिठा लिया था। पीछे मीट मार्केट है जो सरकार ने बनाई हुई है, गवर्नमेंट अप्रूवल है। ये भैया हैं जो हमें सीट के लिए बिठा रहे हैं, और इस तरीके से मतलब कि सीटों में बैठकर इसको लॉक कर दिया जाता है। और ये चलते वक्त अजीब गरीब आवाज़ भी निकल। फिर ऊपर से एक छोटा सा क्लिप लिया, और ये ब्रेक डांस वाला झूला है, इसमें तो भाई चक्कर आ जाते हैं बुरी तरह से, इस तरीके से घुमा देता है। फिर डुगू को हेलीकॉप्टर में झूलना था, वो हेलीकॉप्टर के लिए गया, लेकिन उसे पसंद आई बाइक राइड, तो अब वो उसने ना अपना मन बदल लिया और वो बाइक राइड के लिए चला गया। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे झूले थे, लेकिन जो जैस की बाइक थी ना उसका पहिया निकला हुआ था। पर ठीक है, इस पर कौन सा बच्चों को चलाना होता है, सिर्फ झूलना होता है। मैंने फिर से अपने कैमरे को थोड़ा सा घुमाया, और जो ब्रेक डांस था उसकी साइड क्लिप किया। थोड़ा सा जो ट्रेन थी जिसमें हम झूले थे वो बहुत अच्छी लग रही थी, जैस को बहुत मज़े आ रहे थे ब्रेक डांस पे। अब संदीप चला गया, वो वहाँ पे झूल रहा था। मतलब इसमें ना सबसे ज़्यादा मज़े जो जिसने किए हैं वो है संदीप और या फिर डुगू, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। हमने इसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, वैसे इसने मना किया था कि मुझे मत लो, फिर भी हमने चोरी छिपे ले ली। फिर ये दूसरा झूला था जिसपे संदीप पता ही नहीं कब कब झूल गया, हमें पता ही नहीं चला।
उसके बाद हमने जो मेंढक वाले थे उसकी साइड मतलब अपना कैमरा घुमा लिया। हमने भी मेंढक की सवारी की थी लेकिन बाद में की थी, उससे पहले हम काफ़ी जगह गए थे तो हमने मेंढक को भी दिखाने की कोशिश की। फिर ऊपर एक पूरा राउंड झूला, मुझे नाम नहीं पता इसका। उसके बाद हम गए थे भूत बंगले में, कुछ भी नहीं था। और ये बाउल वाला गेम था जिसमें बाउल डाल के देते हैं और 50 रुपये का टिकट होता है इसका, और आपको 6 बाउल इसके अंदर डालने हैं और कुछ नंबर दिए गए हैं इन्होंने, तो देखेंगे आप ये नंबर है। अगर ये नंबर आप बना लेते हैं 6 बाउल में तो आपको क्या होता है, कुछ इनाम दिया जाता है। हम जब संदीप से हमने कॉल की तो वो कह रहा था मैं बड़े झूले पे बड़े, हमें लगा कि वो इस वाले बड़े झूले पे है लेकिन वो दूसरे वाले झूले पे था। एक ये ड्रैगन टाइप का झूला है, इस पर भी बहुत डर लगता है, लोग कभी ऊपर जाते कभी नीचे आते हैं, और बहुत ज़्यादा पीछे शोर हो रहा था तो मैंने वॉइस को कम कर दिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। लोगों मतलब ये था कि इन्जॉयमेंट था लोगों के लिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकल कर अपने आप को जीना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लिए तो एक तरीके से इत्तेफाक था कि हम सब्जी लेने गए और हमें लगा दिखा कि वहाँ पे झूला लगा हुआ है, इसलिए हमें हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात यही थी बस कि हम जिस काम के लिए गए थे हमने अपनी डायरेक्शन ही बदल दी, अपना काम जल्दी जल्दी किया और फिर हम यहाँ झूला झूलने लगे। कम से कम हमने यहाँ पे 2 घंटे लगाए। और इसलिए अब यहाँ पे ना जैस को खेलना था, जैस की बारी आ गई थी। और जैस से पहले एक भैया खेले थे, उनके भी कुछ भी नहीं बना था, कोई भी नंबर नहीं बना था उनका भी, उनके भी 50 रुपये ऐसे ही पानी में चले गए थे और वो भी हमारी तरह उदास हो गया था, लेकिन वो हमसे पहले खेला था। देखो इसमें जो 6 नंबर है 5 नंबर है वो बहुत ही कम है, बाकी जो नहीं मतलब कि अब जैस खेला, जैस ने भी अपनी बाउल डाली और जैस की जो बाउल थी वो सारी डल जाती है लेकिन जैस के भी नंबर 22 बनते हैं। मैं भी खेली थी, मेरे भी 22 बनते हैं, तो कुल मिला के हमने क्या किया, अपने 100 रुपये बेकार कर दिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पे आगे ना बहुत सी शॉप वगैरह थी, ये भैया किसी और को भी खिला रहे हैं और ये वाले गिफ्ट जो हैं मतलब खिलौने मिल रहे थे। अब यहाँ पे हमने सवारी की, मैंने और जैस ने, हम ब्लू वाले मेंढक पे बैठे थे और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे हमें। ये एक भूत बंगला था जिसकी टिकट 50 रुपये थी, ये भी वेस्ट थी एक तरीके से। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था और एक छोटा सा ये लगा रखा था और लास्ट में, वरना कुछ भी नहीं था, कोई ड्रामना नहीं था। ब्लैक कलर के दुपट्टे लगा रखे थे 5-6 और छोटा सा ही चक्कर था, जैसे एक कमरे में ही घूम के आ गए, अब गए और निकले। इसके अंदर कोई ये संदीप इसको थप्पड़ मार रहा है क्योंकि ये डुगू को दिखाना ज़रूरी था कि ये कुछ नहीं होते हैं, और एक जगह पर ये रखे हुए थे बस। यहाँ पे है ना 50 रुपये में 6 रिंग दे रहे थे और वो जो रिंग है, जितने भी ये सामान रखे इसमें कोई भी आप चूज़ करके अपनी पसंद से रिंग को फेंको और जिस भी चक्कर पे वो रिंग जाएगा प्रॉपर तो वो सामान आपका अपना हो जाएगा। और ये दीवार लगा रखी थी, इसके दूरी पे रह गया बना था। ये वही गेम है बाउल वाला, और ये वो सामान है जो आपको नंबर बनाकर आपको मिलने थे। ये आंटी जी हैं जो इस पर प्रैक्टिस मतलब कि गेम खेल रही थी, ये भी हार जाते हैं हमारी तरह, ये भी नहीं बना पाते, बोले नंबरिंग ही ऐसे। यहाँ पे है एलिफेंट, ये है भाई सफारी, सफारी की सवारी करो जिप्सी की क्या। और भाई खाने पीने के लिए पिज्जा लगा हुआ है, पिज्जा पॉइंट हॉट पिज्जा, खाने पीने की पूरी सुविधा, छोले भटूरे भी है। लड्डू को तेरे लिए बोट आ गई है, आजा को बना गज्जा खा लिए।
यहाँ पे ना ढेर सारी शॉप है जिनमें बच्चों के लिए टॉयज़ मिल रहे हैं। इस शॉप में 60 रुपये में आप कोई भी टॉयज़ लो। ये 60 रुपये वाली थी। सामने चूड़ियाँ लगी हुई है, टॉयज़ लगे हुए हैं। जो ये टॉयज़ वाली दे रही है, इसका कोई रेट नहीं था। आप अपनी मतलब अपनी मर्ज़ी से रेट बताएगा अपनी चीज़ों का। यहाँ पे ढेर सारी चूड़ियाँ लगी हुई थी, फैंसी फैंसी, जिनको चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है वो यहाँ से ख़रीद रहे थे लोग। हर तरीके की थी, तिरंगे के टाइप की भी थी, जो अपना तिरंगे का रंग होता है केसरिया वाइट और ग्रीन कलर का। सामने ही मेटल में रखी हुई थी, ये पत्थर टाइप की सी थी, कड़े जिन्हें बोलते हैं लोग बाग। जो महिलाएं होती हैं वो एक एक कड़ा डालती हैं, मतलब जिसका भी दिल करे, इवन मेरा भी अगर दिल करे तो मैं यहाँ मतलब खरीद के पहन सकता है कहीं से भी जहाँ से मिलती है। इन बेचारों ने तो अपनी शॉप लगा रखी थी कि लोग बाग मेला देखने आएंगे तो वो ख़रीदारी भी करेंगे। यहाँ पे फिर से की चैन लगे हुए थे ढेर सारे, और काफ़ी सुंदर सुंदर लगे हुए थे, अलग अलग तरीके के। और छोटी मोटी और भी चीज़ें थी, रबड़ बैंड थे, नेल कटर्स थे, इस तरीके की जो जो भी ज़रूरतमंद सामान होता है। और ये फिर टॉयज़ की एक और शॉप थी जिसमें 100 के 3 खिलौने मिल रहे थे। आप 100 रुपये में कोई भी 3 यहाँ से पिक कर सकते हैं अपने लिए। और ये फिर से एक और शॉप लगी हुई थी, ये वही शॉप है जो मैंने बताया था आपको 60 रुपये के। और यहाँ पे मास्क लगे हुए थे कुछ भूत बंगले टाइप के, जो उसके अंदर था उस तरीके के डरावने से। और ये चेन वगैरह कई, ये तो अलग अलग तरीके की इसके अंदर चीज़ें मिल रही थी। इसमें वही था, 100 के 2 पीस थे, वहाँ 100 के 3 पीस थे। आप यहाँ पे 100 में कोई भी 2 पीस पिक कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें लगा रखी थी, सब ने अपने अपने हिसाब से। ये डुगू की मैंने एक पिक लगा दी है नाव में बैठे हुए की। ये फिर से एक और गेम आ गया जिसमें डुगू ने खुद खेलना चाहा था। बस यहीं तक था, और आप सभी को राम राम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।